हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जो वार्डरोब क्लीनिंग रूटीन और वार्डरोब का जो टूर है वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। और हाँ, कल से हम वार्डरोब क्लीन कर रहे हैं, बट कल सुबह इनका वार्डरोब क्लीन किया इन्होंने। मैंने भी उनकी हेल्प की करने के लिए, और इन्होंने उनका वार्डरोब क्लीन किया। उसके बाद मैंने और माही ने मिलके मेरा वार्डरोब क्लीन करने के लिए वो निकाला, सारे कपड़े निकाले, और बहुत देर तक हम लोग फोल्ड कर रहे थे कपड़े। और उसके बाद फिर मुझे खाना वाना भी बनाना था, सारे कुछ चीज़ें करनी थी, तो इसी वजह से मेरा कल ना मेरा पूरा मतलब पूरा वार्डरोब क्लीन ही नहीं हुआ। और उसमें से हमने कपड़े जो है वो निकाले थे, मतलब जो धोने के है वो सीलन से बदबू आ रही थी थोड़ी सी, मतलब वो इसकी वजह से, बारिश की वजह से उसमें भी बदबू आ रही थी थोड़ी सी। इसी वजह से मैंने हमने जो जो कपड़े थे साइड में निकाले थे, उसके धोने वाले कपड़े साइड में निकाले थे, तो उसी टाइम मैंने वो धो दिए थे। उसके बाद वो भी कपड़े निकाले थे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो भी कपड़े हमने निकाले थे, तो वो भी हमने साइड में रख दिए, वो किसी को देने के लिए। दिवाली में मतलब साफ़ सफाई होती है, तो मतलब कोई आता है तो मांगने के लिए आता ही है। दिवाली में तो कोई भी आता है मांगने के लिए, क्योंकि सबके घर में साफ़ सफाई होती है, तो कपड़े मांगने के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं, तो उनको मैं दे दूँगी वो सारे कपड़े जो मैं पहनती नहीं हूँ। और यहाँ पर भी, और आज भी क्या हुआ कि आज भी बहुत सारे कपड़े धोने के थे, मतलब कल इतना धोना नहीं हुआ कपड़े, तो इसी वजह से आज भी काफ़ी सारे कपड़े धोने के थे, तो वो भी हमने आज धो लिए। और यहाँ पर माही भी मेरी हेल्प कर रही है, आज स्कूल नहीं है उसकी, तो देखो माही भी यहाँ पर हेल्प कर रही है मेरे कपड़े डालने में इसके वो वाले स्टैंड पे। और अभी मैं जो कपड़े सूखे हुए थे कल के, तो वो फोल्ड कर रही हूँ। देखो अद्विक ज़्यादा के काम कर रहा है, देखो यहाँ के कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे थे। अद्विक रुको रुको, पूरे कपड़े उसने गिरा दिए। मैं जब तक आपसे बात कर रही थी तब तक उसने पूरे, ऐसा देखो मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रखे थे, और इसने सभी, मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने कब से मेहनत की थी, वो सारे खराब हो गए। चलो अभी दोबारा से करना है, ऐसे ही करता है ये, जब तक मैं आपसे बात करती हूँ तब तक दूसरे काम मेरे लिए बढ़ा के रख देता है। तो देखो पूरे कपड़े इतने सारे करके रखे थे मैंने कपड़े, ये देखो। क्या कर सकती हूँ, तो हाँ आज वार्डरोब क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ जो वार्डरोब का टूर है वो शेयर करूंगी। तो तब तक आप कल के क्लिप देख लीजिए कि कल हमने क्या क्या किया, और कल मैंने कैसे कबर्ड साफ किया, मतलब जो ये है कैसे फोल्ड किए, क्या क्या चीज़ें हमने निकाली, तो सारी चीज़ें आप कल देख लीजिए। रुको, कल की देख लीजिए, ये देखो, और जितने भी फोल्ड किए हुए कपड़े हैं वो पूरे निकाल रहा है। तो इसी वजह से मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करती हूँ, और आप तब तक क्लिप देख लीजिए। सो गाइज, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, और ये मतलब उनका कबर्ड निकाल रहे थे, और देखिए इन्होंने पूरे उनके जो वार्डरोब का सारा सामान है वो बेड पर डाल दिया है, कुछ नीचे है, कुछ इधर उधर फैला है, आप देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा मेसी है मेरा आज बेडरूम, और काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो, ये देखो। और ये उनके कबर्ड को क्लीन कर रहे हैं, मतलब अच्छे से लगा रहे हैं, और मैंने भी उनके फोल्ड करने में हेल्प की, मतलब उनको फोल्ड करके दे रही थी उनके जो कपड़े हैं वो, और उनको बोल रही थी कि आप अपने हिसाब से आप अपने इसे लगा दो, मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कौन सी इजी जाएगी रखने के लिए। थोड़ा सा मैंने भी सजेशन दिया उनको कि यहाँ पर ये रखो, वहाँ पर वो रखो, तो ऐसे करके वो लगा रहे थे। और मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही थी उनके कपड़े, उन्होंने सारे मेरे पास निकाल के दे दिए थे, कुछ उन्होंने भी पहले फोल्ड किए, उसके बाद तब तक मैंने अद्विक को संभाला, उसको खिलाया पिलाया, सारा अद्विक का काम किया। और अद्विक भी देखो मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि अद्विक मतलब अद्विक को बीच बीच में करने से कोई वो ही नहीं होता है, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगता है जब तक वो बीच बीच में नहीं करता है, तब तक उसको अच्छा नहीं लगता है, और आप देख सकते हो। और इतना परेशान करता है, जब भी कोई काम निकालो या एक्स्ट्रा के काम करो ना, तो ये मतलब जितने भी फोल्ड किए होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी जाओ ना हम लोग, तो पूरे फोल्ड निकाल देता है। इतना ऐसा लगता है कि क्या करूँ यार, छोटे बच्चों के साथ ना एक्स्ट्रा काम नहीं होते हैं, मतलब
कितना भी हम लोग साफ सुथरा रखे घर, कितना भी हम लोगों को आदत हो क्लीनिंग की, बट नहीं रहता है। मुझे इतना मुझे साफ सफाई करने की आदत है, बट ना मतलब मेरा घर इतना क्लीन रखने के लिए मुझे कितनी बार, आप सोचो मुझे कितनी बार साफ सफाई करनी पड़ती होगी और कितनी बार मुझे घर क्लीन करना पड़ता होगा। मुझे झाड़ू पोछा ही दिन में कितनी बार मारना पड़ता है, कितनी बार मुझे क्या क्या करना पड़ता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पे ध्यान देना पड़ता है, एक तो क्लीनिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है और वो एक्स्ट्रा के काम बढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही होता है। और ये मतलब इनको मैं पूछ रही थी, अभी इनको बोल रही थी कि देखो स्मेल आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है, तो वो बोल रहे थे नहीं आ रही है, पहले बोल रहे थे नहीं आ रही है, अभी बोल देते कि नहीं आ रही है। फिर मैंने जो जो मतलब चीज़ें थी, मतलब जो जो कपड़े थे जिनकी स्मेल आ रही थी, तो वो कपड़े हमने उसमें डाल दिए, मतलब धोने के लिए डाल दिए। और जो जो कपड़े हमारे बचे थे, बाकी थे, मतलब वो हमने जिसकी स्मेल नहीं आ रही थी, तो उसको हमने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। बट बहुत से कपड़ों की स्मेल आ रही थी, इतने सारे कपड़े हमें धोने पड़े और इतने सारे कपड़ों की स्मेल आ रही थी। कपड़े हमने मतलब धो धो के रखे हैं और उसकी फोल्ड करके रखे हैं, कुछ प्रेस करने के भी थे तो इतने सारे वो पड़े थे उसमें सिलवटे, तो कुछ प्रेस करके भी रखे हमने। तो ऐसे ही करके हमने सारा उनका वार्डरोब पहले क्लीन किया, उसके बाद फिर मेरा वार्डरोब क्लीन करने के लिए निकाला। तो ऐसे ही अद्विक के भी थे, अद्विक के मैंने शॉर्ट शर्ट अलग रखे, पैंट पैंट अलग रखे, जो घर में पहनने के लिए थे तो वो अलग रखे, और जो बाहर पहनने के थे या जो नए थे वो अलग रखे। तो ऐसे करके मैंने पहले उनके दे दिए करके उनको, और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर अद्विक के दिए, क्योंकि अद्विक मतलब जो उनका कबड़ है उसमें भी कपड़े रखे हैं हमने, और जो मेरा है तो उसमें माही के रखे हैं। बट मुझे ही इतनी जगह चाहिए है अभी कि माही के भी, अभी इनका ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद, जो वार्डरोब है इनका ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद, मतलब माही के भी उसमें से निकल जाएंगे कपड़े और माही के भी इनके इसमें आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा खाली चाहिए वार्डरोब। और मुझे मतलब इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास और इतने सारे ये हैं, तो सामान है, चीज़ें हैं, तो मुझे ही एक वार्डरोब चाहिए। तो इसी वजह से मैं अभी वो उसमें से सारी चीज़ें निकालूंगी, मेरी वार्डरोब से एक्स्ट्रा है वो निकाल दूंगी, और जो माही के है वो भी शिफ्ट कर दूंगी उसके पापा के कबड़ में, और अद्विक और माही और उसके पापा का, तीनों का एक कबड़ हो जाएगा, और उसके बाद फिर मेरा एक वार्डरोब अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े हैं, और कपड़ों का क्या करें समझ में नहीं आता, लेते रहते हैं लेते रहते हैं, और फिर पहनने का टाइम नहीं मिलता है। और वैसे ही वो कभी कभी तो बच्चों के भी कपड़े ज़्यादा एक दो बार ही पहने होते हैं और जल्दी ही छोटे हो जाते हैं, तो उनको भी पहनने के लिए टाइम नहीं मिलता, और घर के ही कपड़े फिर हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, फैंसी कपड़े ले लेते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता है ऐसे कपड़े पहनाने के लिए, तो इसी वजह से। और फिर मैं अलग अलग उसका भी उसके पापा के जैसा ही कर रही हूँ, अद्विक का टी शर्ट, टी शर्ट उसके अलग रख रही हूँ, शर्ट शर्ट अलग रख रही हूँ, पैंट अलग रख रही हूँ, और जो वो क्या है उसके ब्लूमर्स वगैरह जो है वो भी अलग रख रही हूँ, विंटर के अलग रख रही हूँ, तो समर के ऐसे करके मैंने रख दिए है उसके। और बस अभी हो जाएगा उसका भी क्लीन, और उसके बाद फिर अपना करूँगी। यहाँ पर उनके कुछ कपड़े निकले थे जो आयन करने थे, तो वो मैं आयनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने ऐसे ही यहाँ पर ये आयन टेबल लगा के रखा है, मतलब यहाँ पर प्लेस किया है मैंने आयन टेबल, और यहाँ पर मैं उनके जो कपड़े थे, मतलब उनके शर्ट वगैरह जिस पे ज़्यादा ही सिलवटें पड़ी थी और जिसकी स्मेल नहीं आ रही थी, तो वो मैंने ऐसे ही प्रेस करके मतलब रख दी है उनके कबर्ड में। तो इस तरह से हमने किया था ऑर्गेनाइज उनका जो वार्डरोब है, और वो ऑर्गेनाइज हो जाने के बाद फिर मैं आई थी अपने वार्डरोब पे। अब आप देख सकते हो मेरा वार्डरोब, और मेरा वार्डरोब इतना गंदा पड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और देखिए ऊपर के इसमें से पूरे प्रोडक्ट निकाल के मैंने बेड पर रख दिए, और ये देखो बाप रे बाप। और अद्विक सो भी गया था साइड में, और आप देख सकते हो इतना ज़्यादा। और आपको वो दिख रही है पॉलिथीन रेड कलर की, वो उसके मुंह पे नहीं है, वो साइड में है, आपको अभी देख सकते हो यहाँ पे। और बहुत ही गंदा पड़ा था, माही भी हेल्प कर रही थी मेरी निकालने में, और उसके बाद उसने भी बहुत हेल्प की मेरी, फिर भी हमारा नहीं हुआ। और इतनी सारी चीज़ें हमें करनी थी,
और मुझे तो टेंशन आ गया था एक्चुअली। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना सारा निकालने के बाद एक्चुअली 2 दिन के बाद तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी एकदम से। तो इतना सारा निकाला, फिर उसके बाद उसको वॉश करना, उसके बाद उसको अच्छे से सुखाना, फिर जो आयनिंग का था वो आयन करना, उसके बाद अच्छे से प्लेस करना उसकी जगह पे। बहुत सारा निकला है यार एक मतलब। और वहाँ पर माही देखो, माही ने उसके जो मेरे कबड़ में जो उसके वो थे कपड़े थे तो वो उसने निकाल दिए, और उसके पापा के इसमें जो अभी दो उसके जो खाली है तो उसमें वो रख रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्रोडक्ट जो जो काम के हैं, मतलब एक एक बॉक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब कभी कभी एक बॉक्स में एक ही प्रोडक्ट ऐसे था। और यहाँ पर मेरा वो ब्रश सेट था, यहाँ पर ज्वेलरी के बॉक्स में अलग रख रही हूँ, पूरा ज्वेलरी का ज्वेलरी इतनी सारी है मेरे पास तो अभी ज्वेलरी के बॉक्स में अलग रख रही हूँ। ईयर रिंग्स का भी ज्वेलरी मतलब उसके सेट में थे तो ईयर रिंग्स के बॉक्स में रख दिए, और इतना सारा सामान था। और मेकअप प्रोडक्ट भी थे तो मेकअप प्रोडक्ट मैंने एक बॉक्स में रख दिए सारे निकाल निकाल के निकाल निकाल के। और जो जिसके रिव्यू करने थे मुझे माय स्टाइल एंड टिप्स पे तो वो मैंने अलग से निकाल के रख दिए। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें अरेंज की हैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया गाइज। मतलब रात को इनको मुझे बोलना पड़ा आखिर में कि सो जाओ आप साइड में रख के, क्योंकि जो रहने मतलब रह गया था वो सामान उन्होंने साइड में कर दिया, और मुझे सोने के लिए एक्चुअली बोला फिर, क्योंकि मैं सो ही नहीं रही थी क्योंकि इतना सारा सामान पड़ा था, इतना सारा वो था मेस पड़ा था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और क्योंकि क्या हुआ, ऐसे ही हम लोग लगा देते ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी से हो जाता, बट क्या था कि हमें ऐसे ही नहीं लगाना था, मुझे मुझे करना था तो अच्छे से क्लीन करना था एक्चुअली। तो इसी वजह से मुझे ऐसे ही मतलब मेसी नहीं रहने देना था सारी चीज़ों को, और अच्छे से क्लीन करना था तो उसको वॉश करके उसको आयन करके अच्छे से रखना था। तो इसी वजह से इतना टाइम लग गया, नहीं तो मैं अगर वार्डरोब क्लीन करने जाती ना तो जल्दी हो जाता वार्डरोब क्लीन। तो मुझे वैसा नहीं करना था, मुझे अच्छे से क्लीन करना था और एक बार करना था, क्योंकि अभी बारिश की वजह से सब जो भी कपड़े थे वो सारे इसकी स्मेल आ रही थी। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतनी गंदी सी स्मेल कि उसको हम पहन भी नहीं सकते थे वो कपड़ों को। तो इसी वजह से मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए, और वैसे भी दिवाली आने वाली थी तो क्लीन करना ही था। तो चलो अच्छा है मेरा वार्डरोब भी क्लीन हो गया, मेरे दिवाली की साफ़ सफाई की भी शुरुआत हो गई, और ये भी हो गया मतलब अरेंज भी हो गया, ऑर्गेनाइज भी हो गया मेरा वार्डरोब। तो अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वार्डरोब क्लीन होने के बाद, तो आप देख ही लोगे बाद में कि वार्डरोब कितना अच्छा लगेगा। तो अभी अभी हम लोग फ़िलहाल तो निकाल रहे हैं सारी चीज़ें एक एक करके, मैं निकाल रही हूँ और माही भी थोड़ी हेल्प कर रही है मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में। तो बस इसी तरह से अभी वो सारे बैग्स बैग्स लेके एक खाने में डाल देगी, नीचे वाला खाना जो खाली है तो शेल्फ का, तो उसमें वो रख देगी पूरे बैग्स मेरे, पर्स मेरे, और मेरा जो कबर्ड है, मेरा जो वार्डरोब है उसमें तो वो सारा मेरे कपड़े ही रखना होगा। सारे कपड़े मेरे वैसे के वैसे ही है, और मतलब सारे जो भी मुझे निकालने होंगे किसी को देने होंगे तो वो मैं किसी को दे दूंगी, ऐसा कर दूंगी। और जो मुझे अच्छे रखने हैं मतलब जो मुझे अच्छे से फोल्ड करके रखने हैं तो मैं वार्डरोब में रख दूंगी। तो बस इसी तरह से अभी मुझे करना है अच्छे से और कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो इतना सारा हो रहा है। मेरी सारी साड़ियाँ मैंने यहाँ पर निकाल के रख दी है, और सारे कपड़े अभी निकाल के रखूँगी, और बहुत सारा सामान है करने का तो वो करूँगी पूरा निकालूँगी। और जो ये था क्या बोलते तो उसे सारे प्रोडक्ट थे तो मैंने अच्छे से एक बॉक्स में रख दिए, और आप देख सकते हो ऊपर रख दिए हैं। और दूसरा फिर अभी साड़ियाँ अरेंज करूँगी, साड़ियों को फोल्ड करना है अच्छे से अपनी जगह पे रखना है, और उसको भी अच्छे से ये करना है। सारे मेरे बेल्ट्स है, इतने सारे बेल्ट्स है, और कुछ बेल्ट तो मैंने ऐसे ही क्या बोलते हैं तो जीन्स में ही लगा के रख दिए थे, तो वो बेल्ट भी मुझे निकालने हैं अच्छे से रखने हैं, सारे बेल्ट बेल्ट अलग रखने हैं। फिर टाइम पर मुझे दिखता नहीं है कि कौन सा बेल्ट कौन से जीन्स पर लगाना है, कभी मुझे गोल्डन चाहिए होता है तो गोल्डन नहीं दिखता है, कभी ब्लैक चाहिए होता है तो ब्लैक नहीं दिखता है। तो ऐसे ही मैं पहले तो सारी चीज़ें एक जगह पर रखूँगी, और उसके बाद फिर एक एक जगह अपना टी शर्ट अलग रखूँगी, शर्ट्स अलग रखूँगी, अपने जीन्स अलग रखूँगी, और इसी तरह से मैं सारी चीज़ें रखूँगी।
और यहाँ पर है नेक्स्ट डे, तो उस दिन तो हमारा हुआ ही नहीं। तो दूसरे दिन हमने जो कपड़े धोए थे तो वो हमने फिर मतलब उसकी मैं फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर, और अद्विक देखो ज़्यादा के काम कर रहा है, अद्विक मुझे मतलब कर रही थी तो वो सारे फोल्ड वो निकाल निकाल के दे रहा था, मतलब निकाल रहा था सारी चीज़ों को फोल्ड, तो मैं इधर फोल्ड कर रही थी वो उधर फोल्ड निकाल रहा था, तो इसी तरह से मेरा चल रहा था। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। और हाँ गाइज, अभी मेरे सारे कपड़े जो है वो फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। 1 मिनट, फ़ोन का बटन कौन सा? और पूरा फेस ऑयली हो गया है सुबह से। सारे कपड़े यहाँ पर फोल्ड करके रख दिए हैं, आप देख सकते हो। देखो, सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। चिल्लाओ मत अद्वि तो। और हाँ, यहाँ पर धूप भी आ गई है, अभी सुबह बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बारिश हो गई थी, तो यहाँ पर जो स्टैंड था तो हमने अंदर रख दिया था, तो अभी बाहर ला के रख दिया है धूप में, तो वो स्टैंड भी। और हाँ, आज है संडे। एक्चुअली मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ आपको। हाँ, आज है संडे, और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं यहाँ पर मतलब काम कर रही हूँ। काम करना भी ज़रूरी है क्योंकि संडे का दिन ही मिलता है, थोड़ी सी इनकी हेल्प मिल जाती है मुझे संडे के दिन। अभी ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाली जो बाथरूम है, दूसरे रूम वाली, तो उसमें बहुत सारा कचरा पड़ा है। मतलब जितना भी सामान हमारे घर के जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में बचा हुआ था, वो सामान हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भर के रखा था, तो सारा कबाड़ उसमें भर के रखा है हमने। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि उसका मतलब जो वो बाथरूम है वो क्लीन करना है हमें, और जितना भी ज़्यादा का सामान है वो या तो किसी को दे देना है, या तो चीज़ें हैं वो रख दूंगी, बट किसी चीज़ में एक ना मतलब सेफ रखेंगे, बट वो जो बाथरूम है वो क्लीन करनी है हमें। तो थोड़ा सा ये देख रहे हैं वहाँ पर बाथरूम में जाके कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा की है, जो हमें किसी को देनी है। बाकी के जो सामान है वो हम लोग साफ सफाई कर लेंगे वहाँ के आज भी। और ये देखो, ये वाली कुर्ती मैंने आज पहनी है। ये वाली कुर्ती काफ़ी दिनों की है, ये कुर्ती मतलब ऐसा समझो कि 4 साल तो ये कुर्ती को हो ही गए होंगे, बट नई की नई है क्योंकि मैंने ज्यादा पहनी नहीं उसे। जॉर्जेट की है ये कुर्ती और मैंने ज्यादा इसे पहना नहीं है। एक्चुअली मुझे होती नहीं थी, तो इसी वजह से मैं पहनती नहीं थी ये वाली कुर्ती, बट अभी मुझे ये कुर्ती होने लगी है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि चलो ये कुर्ती मुझे होने लगी है। और मैंने इसी वजह से ये कुर्ती रखी थी ऐसे ही, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब मुझे ये कुर्ती होगी तब मुझे समझ में आएगा कि मेरा वेट कम हो गया है, थोड़ा सा इंचेस भी लॉस हो गया है, तो इसी वजह से आप देख सकते हो। तो ये कुर्ती तो आपने देख ली है कैसी है, और मुझे बहुत ज़्यादा कलर इसका पसंद है, बहुत प्यारी लगती है, और जॉर्जेट की है तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, मतलब ज़्यादा इसको प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए, अभी इस कुर्ती के बारे में बहुत कुछ बता दिया आपको। अब ये फोल्ड जो करके रखे हैं मैंने कपड़े, तो वो मैं अभी मेरे वार्डरोब में रख दूंगी, और जितने जितने मतलब जहाँ जहाँ रखने हैं, क्योंकि अद्विक के मैंने अलग से फोल्ड करके रखे हैं, माही के अलग से फोल्ड करके रखे हैं, माही के जो स्कूल के हैं वो अलग से फोल्ड करके रखे हैं, तो वो मुझे इजी जाएगा अब मुझे रखने के लिए। और हाँ, आज सुबह से फ्री नहीं हो पाई, सुबह से एक्चुअली जब उठी तब नहा लिया मैंने, और उसके बाद ना कोई गेस्ट आ गए थे हमारे घर पे, तो इसी वजह से उनका नाश्ता वगैरह 2-3 घंटे हमारे उसमें ही चले गए, तो इसी वजह से मतलब स्टार्ट नहीं कर पाई काम। और अभी स्टार्ट किया है, दोपहर हो गई है तो अभी स्टार्ट किया है, लंच भी बाकी है करना, ब्रेक किया है क्योंकि 2 बार ब्रेकफास्ट हुआ है इन्होंने बाहर से। आज ब्रेकफास्ट लाया था, संडे है तो इसी वजह से बाहर से लाया था ब्रेकफास्ट, और बच्चों ने खा लिया था तो वो लोग आ गए थे, तो गेस्ट आ गए थे, तो उसके बाद मैंने घर पे भी पोहा बनाया। और महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई भी गेस्ट आते हैं तो पोहा ही बनता है, तो हमारे यहाँ पे जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग नाश्ते में उनके लिए पोहा बनाते हैं, तो पोहा ही बनाया और उनको दिया था, तो फिर सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अभी फुल हो गया है, तो इसी वजह से हम लोगों को अभी लंच की नीड नहीं लग रही है, बट लंच भी बनाना बाकी है मेरा, काम में ही हम लोग हमारा काम ही चल रहा था, तो इसी वजह से मैं काम में ही बिजी थी। और ये भी बिजी है, ऐसा नहीं कि ये खाली है बैठे हुए, ये भी उनके काम कर रहे हैं, मैं अपने काम कर रही हूँ जो मुझे दिख रहा है, और माही भी हेल्प कर रही है हमारी, सारा कुछ हेल्प कर रहा है, और अद्विक भी हेल्प कर रहा है। एक्चुअली अद्विक ये हेल्प कर रहा है कि अद्विक सारे जो हम काम कर रहे हैं उसे वो खराब कर रहा है, ये ज़्यादा की हेल्प कर रहा है अद्विक। और अद्वी की और माही की मस्तियाँ चल रही है, तो चलो थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और सारे काम फिनिश करती हूँ, और उसके बाद मैं आपको वार्डरोब दिखा दूंगी मेरा, तो चलिए फिर तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। सो गाइज, अभी अभी मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हुई है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कल से मैं लगी हुई हूँ इस चीज़ में, और आप देख सकते हो पीछे वॉल में,
7:15 बज रहे हैं अभी, शाम के 7:15 बज रहे हैं। कल सुबह से हमने स्टार्ट किया था। और आपको ये भी बता दूं कि आप सोच रहे हो कि इतना क्यों लेट हुआ है, और आप देख भी सकते हो मेरे फेस से कि कितनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ। आप ये भी बता देती हूँ कि कितना लेट क्यों हुआ है, क्योंकि ना जो भी कपड़े कबर्ड पे थे तो उनकी बहुत ही गंदी सी ऐसी स्मेल आ रही थी बारिश की वजह से, तो उसको सहना मुश्किल हो। हाँ, तो उस बदबू को ना सहना मुश्किल हो गया था। तो इसी वजह से हमने क्या किया, पूरे जो मैंने कपड़े मतलब जिनको जिनकी जिनकी स्मेल आ रही थी वो सारे कपड़े निकाले एक एक करके, थोड़े 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 करके मतलब इसमें डालने पड़ते थे वॉशिंग मशीन में, और सारे कपड़े क्लीन किए, मतलब सारे कपड़े धोए। कपड़े जहाँ वहाँ आपको ऊपर, अगर कल आपको दिखाती ना तो जहाँ वहाँ आपको कल कपड़े दिखाई देते रात को। रात को भी हमने कपड़े धोए, सुबह से रात तक कपड़े धोए हमने, और आज भी दोपहर में कपड़े धोए, आपको तो दिखाई दिया। और कल को तो कैपेसिटी नहीं थी मेरी आपको दिखाने की, क्योंकि कल तो इतना थक गई थी मैं कि बहुत ही मतलब रात को इनको बोलना पड़ा मुझे कि अभी सो जाओ, क्योंकि अभी और इतनी रात हो गई है और अभी करती रहोगे तो आज तो होना मुश्किल है ये। इसी वजह से वो बोल रहे थे कि मुझे अभी ये साइड में कर दो और सो जाओ, तो मैंने ऐसे ही साइड में कर दिया था और सो गई थी। और हाँ, अभी दिवाली आने वाली है तो क्लीनिंग तो करनी थी, और आप भी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वार्डरोब टूर दिखाओ, वार्डरोब टूर दिखाओ। तो मैं आपको गंदा टूर कैसे दिखाती, मतलब इतना गंदा था वार्डरोब कि कितना भी करो वो हो ही जाता है वैसा। तो इसी वजह से अभी और हाँ, बारिश की वजह से तो इतना ज़्यादा मतलब बदबू भी आ रही थी कपड़ों से, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अभी वार्डरोब भी क्लीन कर लेती हूँ, सारे कपड़े धो भी लेती हूँ और अच्छे से उसको अरेंज भी कर दूंगी। तो इसी वजह से और आपके साथ वार्डरोब भी शेयर कर दूंगी मेरा। तो चलिए फिर, अभी तो हो गया है, और चलो अभी, और आप मेरे फेस से देख सकते हो कि कितने ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अभी इसके बाद डायरेक्ट नहाना ही है मुझे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, तो इसी वजह से मैं नहा लूँगी अब। और पहले आपसे वार्डरोब शेयर कर देती हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। इतने दिनों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे भी बुरा लग रहा था, इतने दिनों से मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए सो सॉरी। बट आप भी सोच सकते हो, आप भी इतने दिनों से मुझे देख रहे हो ब्लॉग में कि मैं बिल्कुल एक दिन भी खाली नहीं थी, गणपति थे, गौरी थी, उसके बाद घर पे आई, घर पे गणपति का विसर्जन हुआ, आपने बोला भी था कि गणपति का विसर्जन अब हो गया है तो आप शेयर करो। उसके बाद फिर उसका लिविंग रूम टूर किया, तो ऐसे ही चल रहा था। तो चलो अभी फाइनली आपके की रिक्वेस्ट पूरे करने का टाइम आ गया था, तो चलो अभी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है आपकी, और चलो देख लीजिए आप मेरा वार्डरोब टूर। अब तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी ओपन करती हूँ मेरा वार्डरोब का टाइम है तो इतने अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा, बट फिर भी आपको मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। तो ये खोल दिया मैंने अपना वार्डरोब, और ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ मैं अपने वार्डरोब का भी, नीचे से लेके वो नीचे दो ड्रॉवर है उससे लेके अभी ऊपर तक कुछ इस तरह से दिखता है मेरा वार्डरोब। अब एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये है, मैंने यहाँ पर रखी है सारी मेरी साड़ियाँ जो मैं अभी पहन सकती हूँ, मतलब जिसपे ब्लाउज भी स्टिच किए हुए हैं और अच्छे से स्टिच है, मतलब अभी मुझे होते हैं, वो सारी साड़ियाँ मैंने यहाँ पर रखी है ताकि मुझे अगर साड़ी पहननी हो तो मैं यहाँ की साड़ी ले सकती हूँ और पहन सकती हूँ। तो ये यहाँ पर साड़ी रखी है, उसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो उसके नीचे मैंने सारे मेरे पंजाबी सूट रखे हैं जिसपे मतलब पटियाला वगैरह नीचे है या ये है, तो ऐसे मेरे पंजाबी सूट इसमें रखे हैं। और ये वाली बास्केट आप देख सकते हो, ये वाली बास्केट में मैंने लेगिंग रखे हैं, मेरे सारे लेगिंग्स इसमें आ गए हैं। तो जो भी मुझे कुर्ती के नीचे पहनने होते हैं तो वह मैं मैचिंग करके पहन लेती हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ शीन के पैकेट्स पड़े हैं तो उसके मुझे रिव्यू करने हैं, तो वो ड्रेसेस इसमें हैं। और उसके बाद उसके पीछे मैं दिखाती हूँ आपको, तो उसके पीछे है मेरे सारे जैकेट्स, मतलब डेनिम जैकेट एंड जो मेरे विंटर के जैकेट्स हैं वो सारे जैकेट्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर है मेरे सारे लॉन्ड्री आइटम, मतलब सारे इनर्स वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर है मेरे सारी कुर्तीज़, जो भी मैं कुर्तीज़ पहनती हूँ वो इसमें रखी है मैंने। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मेरे जो बड़े मतलब जो हेवी वाले सूट है वो रखे हैं मैंने, मतलब जो अम्ब्रेला टाइप के जो सूट है वो जो
इस टाइप में उल्टे करके मैंने फोल्ड करके रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें सीक्वेंस वगैरह का वर्क है या कुछ भी ऐसा हीवी वर्क है, तो इसी वजह से वो खराब ना हो, इसी वजह से ऐसे उल्टे करके रखे हैं फोल्ड करके। उसके बाद मैं इसमें आती हूँ, तो यहाँ पर है मेरे सारे ड्रेसेस एंड सारे टॉप, और बस वो है इसमें, ड्रेसेस एंड टॉप है इसमें सारे। फिर यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर है मेरे जितने भी जीन्स है मेरे पास, वो जीन्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो। थोड़ा सा अंधेरा है यार, आप प्लीज माइंड मत करना। तो यहाँ पर मैंने अपने जीन्स रखे हैं। फिर उसके जस्ट ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे टी शर्ट्स रखे हैं, इतने सारे टी शर्ट यहाँ पर आ गए हैं। तो ये सारे टी शर्ट्स हैं मेरे पास, और उसके बाद इसकी ही जस्ट ड्रेसेस एंड टॉप के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने सारे बेल्ट रखे हैं जो जीन्स पर मैं लगाती हूँ, तो वो सारे बेल्ट है यहाँ पे। और उसके बाद जस्ट साइड में मैंने ये जो पर्पल के बॉक्सेस है इसमें सारा सामान है मास्टर एंड टिप्स के रिव्यू के लिए, तो वो रखे हैं। उसके जस्ट ऊपर आते हैं तो ऊपर में मैंने ये साड़ियाँ, इसमें सबसे पहले तो उसमें मेरा लहंगा है जो आपको तीज वाले ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, बहुत लोगों ने पूछा भी था उस लहंगे के बारे में, तो वो वाला लहंगा है। और हाँ, एक ही लहंगा है मेरे पास, ज़्यादा लहंगे नहीं हैं, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये वाले इसमें साड़ियाँ रखी है, वो वाली जो साड़ियाँ हैं वो इजी टू वेयर वाली साड़ियाँ हैं, तो मतलब ऐसी है थोड़ी सी फैंसी वाली, तो उसमें वो वाली साड़ियाँ है, मतलब थोड़ी पतली वाली लाइट वेट वाली वो वाली साड़ियाँ है उसमें रखी हुई। और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो इसमें कॉटन की साड़ियाँ रखी है इस वाले बॉक्स में। फिर यहाँ पर मेरी एक पर्स रखी है, उसके पीछे एक शू का बॉक्स है, उसके पीछे ये स्ट्रेटनर का बॉक्स है, उसके नीचे और एक बॉक्स है, उसमें मैंने ऐसी बैंगल्स वगैरह रखे हैं। और यहाँ पर मैंने ये ऑक्सीलाइफ का बीच रखा है, ब्लीच सॉरी ब्लीच रखा है। उसके बाद में मेरी एक पर्स है, उसके बाद भी ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है तो उसमें भी मैंने अपने बैंगल्स रखे हैं। और उसके जस्ट ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है पैकेट, उसमें भी कुछ तो भी हाँ उसमें भी ज्वेलरी है। और वो जो आपको पूरी लाइन दिख रही है वो उसमें सारी ज्वेलरी है, मतलब नेकलेस सेट एंड ऑल जो भी इयररिंग्स वगैरह सारी मेरी ज्वेलरी है उसमें, तो वही है बस। और इस तरह से फुल लुक है मेरे वार्डरोब का, मैं आपको दिखा देती हूँ। और वो मैंने निकाल के रखा था, वो अभी वहाँ पर प्लेस कर दूंगी अपनी जगह पे। और इस तरह से मेरा वार्डरोब दिखता है पूरा। सो गाइज, फाइनली आज मैंने आपके साथ मेरा वार्डरोब टूर शेयर कर दिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप में से कोई मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।